नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। बहुत दिन से दोस्तों इस चैनल पे राजस्थान पुलिस को लेकर वीडियो नहीं आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप हमको भूल गए क्या। तो दोस्तों मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक आप ट्रेनिंग पे नहीं जाओगे, तब तक मैं आपके ऐसे डाउट क्लियर करता रहूँगा। गई बार जो दोस्तों वैकेंसी आई थी तब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, तब तक मैं उनको दोस्तों पल पल की अपडेट देता था। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको पता होगा हर 7 दिन में अलग से वीडियो आती है, जिसमें मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जितने भी बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं उनका मैं रिप्लाई करता हूं। तो आज की वीडियो दोस्तों वही बनने वाली है। जो भी आपने मेरे पास कमेंट किए थे, जो भी आपके डाउट थे कट ऑफ को लेकर, बटालियन की कट ऑफ को लेकर, फीमेल की कट ऑफ को लेकर, मेल की कट ऑफ को लेकर, टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया, फिजिकल कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, सभी डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा दोस्तों बहुत बच्चे मुझसे ये भी बोलते हैं कि ऐसा कुछ बताइए जो पढ़ाई करते करते हम पैसे कमा ले। तो मैंने इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, जिसे मैंने आपको बताया था, यदि आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को आप अपलोड करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और मैंने दोस्तों कुछ ही दिन पहले, क्या कल परसों, एक चैनल देखा था जो मेरी वीडियो को डालता है और खामखा उसका चैनल मोनिटाइज भी हो गया है और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो यदि आप भी कमाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को बीच में से काटो, अपने चैनल पर डालो और अच्छे खासे पैसे कमाओ। एकमात्र दोस्तों स्टडी का चैनल है जो आपसे साफ साफ बोल रहा है कि किसी को मैं स्ट्राइक नहीं दूंगा, आप भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो मेरी वीडियो को डालकर, तो आप डाल सकते हो। अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों सीधे टॉपिक की तरफ। जो भी आपके कमेंट आ रहे थे उनका मैं रिप्लाई करने वाला हूं। तो पहले नंबर पर दोस्तों जो कमेंट आ रहा है वो कमेंट आ रहा है राहुल का। राहुल पूछ रहा है 2 जुलाई को परीक्षा वाले क्या पढ़े। तो राहुल मैं आपको बता दूं, जिनकी भी परीक्षा 2 जुलाई को है पुलिस कांस्टेबल की, जिनकी रद्द हुई थी उनकी अब 2 जुलाई को परीक्षा है, तो आपको क्या पढ़ना है इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बना दी है। इस वीडियो में यदि मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, जिस कारण से मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बना दिया। वहां जाके आप देख सकते हो कि 2 जुलाई को कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं और अंतिम समय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो वीडियो आप जाके चैनल पर देख लेना, यह उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब कुछ मैंने बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं दोस्तों, जनगणना को मत छोड़ना, बजट को मत छोड़ना, आर्थिक समीक्षा को मत छोड़ना, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपको पूरा ही चाहिए तो वीडियो जाके देख लेना। दूसरे नंबर पे कमेंट आ रहा है पूजा का। पूजा पूछ रही है सर आंसर की कब आएगी। पूजा मैं आपको बता दूं, जैसे 2 जुलाई को पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा खत्म होती है उसके 3 से 4 दिन बाद में आपको आंसर की मिल जाएगी। मतलब कि जो परीक्षा लग चुकी है उनकी तो आंसर की तैयार है, बस सिर्फ 2 जुलाई की आंसर की तैयार करनी है और उसके बाद में अपलोड करनी है। तो आपको जैसे आपकी 2 जुलाई को परीक्षा लगती है उसके 3 से 4 दिन बाद में आंसर की मिल जाएगी और आप मिलान कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। तो पूजा मैंने भी आपको जवाब दे दिया है। तीसरे नंबर पे कमेंट है संजय का, यह पूछ रहा है आरपी का रिजल्ट कब तक आएगा फिर। तो संजय मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी आंसर की आएगी उसके बाद में ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। हम मोटे मोटे अंदाजा कह सकते हैं जैसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे उसके 20 से 25 दिन बाद में पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब तक दोस्तों यदि वो पेपर रद्द नहीं होता तो अब तक आपका रिजल्ट दोस्तों खैन खैन तैयार हो चुका होता और आ चुका होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही आंसर की आएगी उसके दोस्तों 20 से 25 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों फिजिकल के लिए इसमें ज्यादा समय नहीं मिलता है, जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो संजय मैंने भी आपको आपका जवाब दे दिया है। चौथे नंबर पर कमेंट है दीपक मोहनपुरिया का, यह कह रहा है कि मैंने 134 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें से मेरे 115 प्लस सही है एससी कैटेगरी से, तो क्या मुझे दौड़ करनी चाहिए। तो दीपक मोहनपुरिया मैं आपको बता दूं, यदि आपके 115 सही निकलते हैं आंसर की में मिलाने के बाद, अभी यदि आप बोल रहे हो कि मेरे फलाने सही है ऐसे ही बोल रहे हो तो वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कितने पे सिलेक्शन होगा। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं आंसर की आने के बाद दोस्तों यदि आपके 115 प्लस सही निकलते हैं एससी कैटेगरी से तो यूं मान लेना खैन खैन आप सिलेक्शन की रेस में हो। और जैसे आंसर की आएगी आपको पता भी लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। यदि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि लगभग मेरे 115 प्लस सही है, तो आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हो, आपका बहुत अच्छा स्कोर है एससी कैटेगरी से। तो मैंने आपको आपका जवाब दे दिया। पांचवे नंबर पे कमेंट है आरती का, ये पूछ रही है सर फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। आरती मैं आपको बता दूं, अभी आपकी आंसर की आने वाली है, आंसर के बाद में पता चल जाएगा कि कितने लोग पानी में, क्योंकि अभी तो क्या बोल रहे हैं मेरे 130 प्लस सही है, मेरे 135 प्लस सही है, लेकिन आंसर की आएगी ना तो सब के सब बच्चे डाउन पड़ जाएंगे। लेकिन फीमेल की कट ऑफ मैंने
आपको पहले ही बता रखी है 80-85 यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल सेफ आपको फिजिकल का कॉल तो जरूर आएगा। तो आरती मैंने भी आपको जवाब दे दिया है। छठे नंबर पे कमेंट है विमल का, ये बोल रहा है बटालियन की कट ऑफ क्या रह सकती है। विमल मैं आपको बता दूं, आपकी बार जो सबसे सरल पेपर आया था वो 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मतलब कि बटालियन वालों का जो पेपर था हम मान सकते हैं और पेपरों के मुकाबले सरल था। अब दोस्तों आंसर क्या आएगी तब पता लग ही जाएगा कितने क्वेश्चन सही है, लेकिन जो सबसे सरल पेपर दोस्तों अभी तक निकल के आ रहा है वो 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का है। मतलब कि यदि आपके 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, बटालियन से आपने फॉर्म लगाया था और 108-110 के आसपास यदि आपके सही बन रहे हैं तो यूं मान लेना आपको फिजिकल का कॉल जरूर आ सकता है। और ऐसे दोस्तों किस्मत के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने कौन सी बटालियन से फॉर्म लगाया, क्योंकि हर बटालियन की कट ऑफ अलग रहने वाली है। तो आपको मैंने आपका जवाब दे दिया। सातवें नंबर पे कमेंट है बीना का, ये पूछ रहा है भाई पुलिस की नई भर्ती कब आएगी। तो बीना मैं आपको बता दूं पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आएगी वो उसमें सीईटी लागू कर दिया गया है, मतलब कि पहले आपकी फरवरी 2023 में सीईटी के एग्जाम लगेगी, उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी। मतलब कि हम कह सकते हैं जो नई भर्ती आएगी अब दोस्तों वो 2023 में आने वाली है, उससे पहले आपकी नई भर्ती पुलिस कांस्टेबल की नहीं आएगी। आगे चलता हूं अगले नंबर पे कमेंट है आठवें नंबर पे रामू का। रामू पूछ रहे हैं भाई साहब वन पाल वन रक्षक की क्लास शुरू कर दो। तो रामू मैं आपको बता दूं मैं कोशिश कर रहा हूं वापस से वन पाल एवं वन रक्षक की क्लास स्टार्ट करने का, जिसमें मैं भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों 2-3 टीचर और लेके आ रहा हूं आपके लिए दोस्तों, वो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिलने वाले हैं और बिल्कुल फ्री में मैं पढ़ाने वाला हूं। वापस से हम लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जल्दी आपको दोस्तों सूचना मिल जाएगी, ध्यान से सुन लिया आपने। आगे बता दूं नवे नंबर पे कमेंट है आरपी के फिजिकल फिर कब होंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके 20 दिन बाद में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एकमात्र ऐसी वैकेंसी है राजस्थान पुलिस जो बच्चों को फिजिकल का समय नहीं देती है, मतलब कि 20 या 15 दिन के अंदर ही फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है, तो आपको फिजिकल के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आंसर की आती है तुरंत आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि बाद में फिजिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। 2018 में दोस्तों मैं आपको बता दूं 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें सिर्फ 10 से 15 दिन का समय मिला था फिजिकल के लिए, जिस कारण से बहुत बच्चे दौड़ में बाहर हो गए थे। तो जैसे आपकी आंसर की आएगी तुरंत आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। तो लगभग दोस्तों इंपॉर्टेंट जो भी आपके क्वेश्चन थे सभी डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मेरा काम है दोस्तों आपके डाउट क्लियर करना। जैसे दोस्तों आपके कोई भी डाउट आते हैं मैं क्लियर करता जाता हूं, कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपके सामने रखता जाता हूं। तो दोस्तों जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। और सबसे बड़ी बात है फिजिकल, जैसे दोस्तों आपके फिजिकल स्टार्ट होते हैं तो ग्राउंड से मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूं कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना दोस्तों चैनल को। फिजिकल के किस प्रकार आपको दोस्तों मैं अपडेट देता हूं वो आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।